आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता पर वरिष्ठ लिपिक व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रज किशोर सिंह ने शौचालय की साफ सफाई जैसे मामले कार्य को लेकर अशब्द कहने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। कुछ ही देर में कई कर्मचारी बाहर आ गए और लाभ बंद हो गए। नाराज कर्मचारी गेट पर आकर प्रदर्शन करने लगे। ब्रज किशोर सिंह ने कहा कि जब तक CDO माफी नहीं मांगेंगे तब तक विकास भवन बंद कर देंगे। ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि आज नाजी छुट्टी पर थे, CDO ने मुझे बुलाया था लेकिन मैं उनके सहयोग में चला गया। जैसे ही CDO कक्ष में गया तो CDO ने विकास भवन में स्थित सभागार के बगल में स्थित शौचालय से बदबू आने की बात कहकर भड़क गए। उनको और उनके परिवार तक को अशब्द कहा गया, जबकि उनके द्वारा बताया गया कि विकास भवन में कर्मचारी के साथ जो फरियादी आते हैं वो भी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। इतना कहते ही CDO और भड़क गए, कहा कि वो अभी इस पद पर प्रमोट हुए हैं और उनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देती है। मैं वरिष्ठ लिपिक के पद पर हूँ। क्या वजह थी आज क्या हो गया आपके साथ? नाजी नहीं थे, छुट्टी पर थे और पंकज कुमार वर्मा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बुलाया गया। हम लोग दोनों लोग एक सहपाठी हैं, काम करते हैं। मैं उनके सहयोग में जो है चला गया। उन्होंने पूछा कि यह मीटिंग हॉल के बगल में जो बाथरूम है आप अभी भी जा कर चेक कर सकते हैं, सफाई जो है बहुत बेहतरीन है, कमी हो तो आप खुद बताएं। जाके पहले तल पर मीटिंग हॉल के बगल में गंदगी बदबू आ रही थी, उन्होंने बुलाया, बोले कि जो है बाथरूम इतना गंदा क्या, हमने कहा सफाई जो है हुआ है, कहे गंदगी के, हमने कहा पूरे विकास भवन के सभी तलों के जो है या बाहरी भी लोग उसी तल पर सफाई ज़्यादा होने के नाते सभी कर्मचारी उसी में या बाहरी भी पब्लिक के लोग उसी बाथरूम में जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गंदगी है आप कुछ सर मतलब कोई बात अभी मेरी सुन नहीं रहे हैं और बहुत ही बुरे लहजे में कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप बेशर्म हो। मैंने बात भी नहीं किया, मैंने अपनी बात को रखा भी नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं, मुझसे सुना भी नहीं गया और तुरंत यह बात उन्होंने कहा आप बेशर्म हो, आपको शर्म नहीं आने चाहिए, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, आपके परिवार में कैसे रहते हैं, आपके मैं कर्मचारी हूँ, मैं संगठन का ग्राम विकास का अध्यक्ष हूँ, पूरे विकास भवन का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ, प्रांति भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या एक मुख्य विकास अधिकारी जो इतने बड़े भी विकास भवन के मालिक हैं, क्या किसी के परिवार पर उंगली उठाना, किसी कर्मचारी को बंद कमरे में जलील करना, शर्म बेशर्म बनाना, ऐसी कौन सी बात हो गई जो निलंबन कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने बुरे बुरे शब्दों का बोलना जो है क्या यह सही है? कोई भी बात हमारी बात सुन लेते। मैं बताता कि विकास भवन का नाजी नहीं है, छुट्टी पर है, मैं आपके सहयोग में आया हूँ, कोई बात सुनना नहीं, कुछ भी नहीं करना। सफाई कर्मी ऑलरेडी हर तल पर तैनात हैं और अब शब्दों का बात करना, बेशर्म बनाना, क्या चाहते हैं आप लोग? किसी भी कर्मचारी जो है मान सम्मान से काम करते हैं, आप गाली देंगे, बनाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। मैं यह बात आप लोगों की मीडिया में बात नहीं कहना चाहता, यह उचित नहीं है। वरिष्ठ हैं, पता चला कि उनकी पदोन्नति हुई है, IAS पद पर हैं, लेकिन एक विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी उचित हैं किसी कर्मचारी को बुला के कार्यालय में अपने कक्ष में गंदे शब्दों का प्रयोग करना यह उचित नहीं, जबकि मैं बताया हूँ कर्मचारी संघ का मैं पहले भी अध्यक्ष हूँ, क्या यह सही है? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या अभी हम चाहते हैं कि जो एक संगठन के कर्मचारी अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का बेशर्म और शर्म परिवार पर हमारे जो है
अब शब्दों का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। मैं जब तक हमारे मुख्य विकास अधिकारी माफी नहीं मान लेंगे तब तक ये विकास भवन बंद रहेगा, पूरे विकास भवन। आपको तमीज नहीं है अभी आपके मैं खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ऐसे ठपका की कार्रवाई नहीं करना। मैं नहीं बोला, मैं उनकी बातों को सुनता चला आया, अभी मैं सस्पेंड करूंगा, अभी मैं अभी ये तैयार करता हूँ। सर नहीं आते, ये क्या उनके सहयोग के लिए गया, उन्होंने मुझे अब शब्दों का प्रयोग किया। डीजीओ साहब कहीं बाहर फील्ड में, मैंने उनको फोन पर संज्ञान में ले आया हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।